হ্যালো, সস্ত্রীকাল, কেমন আছো? ওয়ারাকাম আর নমস্কার, স্বাগত হ্যায় আপকা ফুটবল ইন ব্লাড কে চ্যানেল মে। ইয়াহাঁ হাম বাত করতে ইন্ডিয়ান ফুটবল সে জুড়ে সবই খবরো কে বারে মে, তো বনে রহিয়েগা। তো দোস্তো, আজ জো ম্যাচ হোনে ওয়ালা হ্যায় আইএসএল কা, ও হোগা এফসি গোয়া আর ওড়িশা এফসি কে বিচ। তো আইয়ে চলিয়ে দেখ লেতে ম্যাচ কব হোনে ওয়ালা হ্যায়। 7:30 বজে হোনে ওয়ালা ম্যাচ, আর জো হোগা ও হোগা জওয়াহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম গোয়া মে, যানি কি গোয়া কা ইয়ে হোম স্টেডিয়াম হোনে ওয়ালা হ্যায়। और ये जो टेलीकास्ट होगा वो होगा स्टार स्पोर्ट्स के नेटवर्क पे, और लाइव स्ट्रीमिंग होगी इसकी हॉट स्टार और जियो टीवी पे। तो चलिए देख लेते हैं इसके बाद पॉइंट्स टेबल पे क्या असर डालने वाला है आज जो टीम जीतती है तो उसके बाद, या फिर जो हारती है उसके लिए। तो अगर एफसी गोवा इस मैच को जीत जाती है तो वो टॉप ऑफ द टेबल पहुंच जाएगी 18 पॉइंट्स के साथ, बेंगलुरु को पीछे करते हुए आफ्टर प्लेइंग 9 मैचेस। और उड़ीसा अगर ये मैच जीत जाती है तो फिर वो टॉप 4 से 1 पॉइंट नीचे रह जाएंगे। ये फिर भी उन लोग के लिए बहुत ही बड़ी जीत होगी। एफसी गोवा भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहा है। तो आइए देख लेते हैं कि दोनों टीमों के कोच ने प्री कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। तो गंबाओ ने, जो उड़ीसा एफसी के कोच है, उन्होंने कहा है कि गोवा एक बहुत ही बेहतरीन टीम है और बहुत सारे इंजरी और सस्पेंशन के बाद भी गोवा टॉप 4 के पोजीशन को बरकरार रखी है। तो ये मैच हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल मैच होने वाला है। और इसके साथ ही चलिए देख लेते हैं एफसी गोवा के कोच लोवेरा ने क्या कहा है। तो लोबेरा ने कहा है कि इस साल के आईएसएल सीजन को इन्होंने बहुत ही कॉम्पिटिटिव बताया है, यानी कि सारे टीमें बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रही है और कोई भी जीत सकता है इस बार का सीजन। और उसके साथ ही उन्होंने ये बताया है कि टॉप 4 में बने रहने से पहले उन लोग की सबसे बड़ी कोशिश ये रहेगी कि हर मैच वो जीतें। तो इसके साथ ही चलिए देखते हैं कि इंजरी अपडेट्स क्या क्या हैं। तो उड़ीसा एफसी की तरफ से आ रहा है इंजरी तो कुछ नहीं है, लेकिन विनीत राय को सस्पेंशन मिला है जिसके वजह से मार्कोस टेबार खेल सकते हैं। तो इसके साथ ही गोवा के टीम में अब कोई इंजर्ड प्लेयर नहीं है और कोई सस्पेंशन भी नहीं है, तो गोवा जो है अपने फुल स्क्वाड के साथ आएगी खेलने के लिए। और इसके साथ ही आपको बता दे दोस्तों कि ओडिशा एफसी का जो है ये पहला सीजन है आईएसएल में, और इसके साथ ही जो गोवा के साथ मैच है ये भी पहला मैच खेलेगी ओडिशा एफसी अपना गोवा के खिलाफ। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि लास्ट 5 मैचों में इन टीमों का क्या प्रदर्शन रहा है। तो उसके साथ देख, एफसी गोवा ने लास्ट 5 मैचों में 3 मैच जीता है और उसके साथ एक ड्रॉ किया है और एक मैच हारा है। और उसके साथ ही ओडिशा एफसी ने एक मैच जीता है, 3 ड्रॉ किया है और एक हारा है। तो चलिए दोस्तों फटाफट फॉर्मेशन और लाइनअप देख लेते हैं इन टीमों की। एफसी गोवा की जो फॉर्मेशन आ रही है वो है 4-2-3-1 की फॉर्मेशन आ रही है, और उसके साथ लाइनअप कुछ इस तरीके से है। और ओडिशा एफसी की जो फॉर्मेशन आ रही है वो भी 4-2-3-1 है, और जो लाइनअप रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरीके से अगर आप आईएसएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े किसी भी खबरों के बारे में जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, अलविदा, फिर मिलेंगे, बाय बाय।